नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 19 मई 2020 है। 19 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार चली गई। देश में मरने वालों की संख्या भी अब 3000 से अधिक हो गई। संक्रमितों में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। वहां 2000 से अधिक नए मामले आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 35000 के पार चली गई। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अब तक संक्रमितों की संख्या 11746 हो गई। वहां कोरोना संक्रमण के कारण 694 लोगों की मौत भी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 10000 के पार चली गई। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1423 हो गई। बिहार में संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने का एक कारण प्रवासी मजदूर भी हो गया है। हालांकि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनके लिए प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर, और जो लोग ऑरेंज जोन से आ रहे हैं उनके लिए विलेज क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। हालांकि भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना में काफ़ी कम है। देश में स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या भी कम नहीं है। सरकार के सफल प्रयास और जागरूकता के कारण संक्रमित स्वस्थ भी हो रहे हैं। लॉकडाउन 4 में सरकार ने कई तरह का छूट का प्रावधान बिहार में दिया है। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। कपड़ों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, मगर शर्त है कि भीड़ भाड़ न हो। सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए दिन में एक निश्चित अवधि का प्रावधान किया है। किन जिलों में किस समय दुकानें खुलेंगी, वहां जिलों के DM यह तय करेंगे। लॉकडाउन 4 में बसों के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। इधर बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। केंद्र के लॉकडाउन गाइडलाइन के बाद बिहार सरकार ने भी कई दिशा निर्देश दिया है। अब चलते हैं बिहार के मौसम की ओर। बिहार के मौसम में काफ़ी बदलाव दिख रहा है। भीषण गर्मी के बाद तापमान गिरा है। अगले 48 घंटे के दौरान भीषण आंधी पानी के आसार बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का असर शुरू हो गया है। चक्रवात का असर देश के अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार में भी दिखेगा। आंधी पानी की संभावना को लेकर बिहार के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लॉकडाउन के दौरान बिहार में बढ़ती गई सख्ती को लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से बीते 8 सप्ताह में 17 करोड़ की वसूली अर्थदंड के रूप में की गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में 73,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। 2200 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस सिलसिले में अररिया जिला कार्रवाई करने में अव्वल रहा है। भागलपुर के बहादुरपुर के एक वृद्ध को पिकअप वैन ने कुचल डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम विकास मंडल बताया गया। वह रोड क्रॉस कर रहे थे। घटना भागलपुर 0 माइल के पास घटी बताई जाती है। गोपालगंज में गैस सिलेंडर फटने से मझवलिया गांव में आग लग गई। 3 फूस के घर जल गए। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। बिहार के बिहपुर में किराना के होलसेल व्यवसायी को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। इस घटना को लेकर इलाका थर्रा गया है। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद से पैदल जमुई लौट रहे 2 प्रवासियों को ट्रक ने कुचल डाला। घटना गोपालगंज के छबही गांव के पास घटी। मृतकों में जमुई जिले के कर्मा गांव के दानिश अंसारी और बलियाडीह टहवा गांव के अमजद अंसारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर वित्त विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए अधिकारियों को इससे संबंधित कई निर्देश दिए। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने देर रात दिल्ली से 25 बसें बिहार के लिए अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि मेरे मजदूर भाई परेशान हैं, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ, यह नहीं हो सकता है। मजदूरों को घर भेजने के लिए मैं लगातार प्रयास किया था। बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए बिहार में पेट्रोल डीजल के वैट दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार अब बिहार में डीजल और पेट्रोल के कीमतों में औसतन 2 रुपये की वृद्धि हो जाएगी।
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 50 दिनों के बाद भले ही दिल्ली से पटना आए और क्वारंटाइन हो गए, लेकिन इस क्वारंटाइन पीरियड में भी तेजस्वी यादव अपने संगठन पर अच्छी खासी नजर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, तो वह किसी भी मौके को जाया नहीं होने देना चाहते हैं। कोरोना अपडेट के बहाने तेजस्वी यादव ने अपने जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे बिहार का हालचाल जाना। वहीं इस माध्यम से उन्होंने यह भी पड़ताल किया कि उनके जिलाध्यक्ष कितने एक्टिव हैं। दरभंगा जिले में सिंहवारा प्रखंड के सिरहुल्ली गांव की बेटी ज्योति ने अपने पिता के लिए वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को बेटी से नहीं होती। 13 साल की ज्योति ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर तकरीबन 1300 किलोमीटर यानी दिल्ली से दरभंगा की दूरी महज 8 दिनों में पूरा किया। देश में करीब 2 माह से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन लगने से प्रवासी मजदूर जो जहां थे वहीं फंस गए। वहीं बिहार के कुछ मजदूर जो जमुई जिले के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मजदूरों की समस्या को बताया। अब चलते हैं कमेंट की ओर। आज भी हमारे कमेंट बॉक्स पर कई लोग आए हैं। सुमन कुमार ने कमेंट बॉक्स पर लिखा है कि लखनऊ से सहरसा के लिए ट्रेन कब चलेगी। बेंगलोर से राहुल कुमार ने लिखा है कि बेंगलोर से बिहार के लिए ट्रेन कब चलेगी। इरशाद खान ने सऊदी अरब से कमेंट कर सवाल पूछा है कि सऊदी से इंडिया के लिए फ्लाइट कब खुलेगा। इरशाद साहब, जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा खबरों के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे। दरभंगा से अमरेश सिंह ने पूछा है कि दरभंगा से दिल्ली के लिए ट्रेन कब चलेगी। यही सवाल अरविंद कुमार राम ने पूछा है। लुधियाना से छपरा के लिए ट्रेन कब खुलेगी। दरेश पासवान कहते हैं कि मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। कुंजलाल मंडल लॉकडाउन में ही पटना में फंसे हुए हैं। कटिहार के लिए गाड़ी कब चलेगी ये पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स पर इसी तरह के सवाल बड़ी संख्या में लोगों ने किया है। इसी तरह ट्रेन के बारे में हरेराम सिंह ने लुधियाना से, मोहम्मद अनवार ने केरल से और सहरसा से विक्रम झा ने पूछा है। कमेंट बॉक्स पर यही सवाल दिल्ली से नीतीश कुमार, रजनीकांत यादव ने महाराष्ट्र से, गुजरात से प्रमोद कुमार ने, गुलाम रब्बानी ने गाजियाबाद से, अररिया जिले के करण सिंह ने गुजरात से बिहार जाने के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। ऐसे ही मनोज सिंह ने भी बिहार लौटने के लिए ट्रेन के बारे में पूछा है। कलाम अली ने पुणे से, राजू कुमार ने नेपाल से, अमरजीत सिंह ने राजस्थान से, तो शिवनाथ ने गुजरात से कमेंट कर ट्रेन के ही बारे में पूछा है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।